और अब नजर लखीसराय से आई एक अच्छी खबर पर, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उनकी बड़ी समस्या का हल करने की तैयारी कर ली गई है। दरअसल अब जिले की जीविका दीदी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बनाएंगी और कम कीमत पर बाजार में उसे उपलब्ध कराएंगी। उद्योग विभाग की ये सराहनीय पहल है, जिससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। लखीसराय में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी पहल की तैयारी कर ली गई है। अब यहाँ की महिलाओं द्वारा बनाए गए सैनिटरी पैड का इस्तेमाल पूरे जिले की युवतियाँ कर सकेंगी। लखीसराय के हलसी में सैनिटरी पैड का निर्माण किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जीविका दीदियों के कंधों पर है। जीविका उद्योग केंद्र की ओर से ये पहल की जा रही है, जिसमें सैनिटरी पैड बनाने के लिए 13 जीविका समूहों की 17 दीदियों को 2 दिनों तक प्रशिक्षण दिया गया। तमिलनाडु से आए ट्रेनर ने निर्माण केंद्र पर मशीनें लगवाकर दीदियों को सैनिटरी पैड बनाने की जानकारी प्रैक्टिकल के तौर पर भी दी है। हलसी प्रखंड मुख्यालय के लोक सूचना विज्ञान केंद्र में पैड बनाने की मशीनें भी लगवाई जा रही है। जल्द ही प्रशिक्षण प्राप्त दीदियाँ पैड बनाने का काम शुरू कर देंगी। में 20 दीदी फिलहाल शामिल है। यह दीदी जब प्रशिक्षित हो जाएगी तो ये अपना उत्पादक समूह के माध्यम से और दीदी को प्रशिक्षित करके रोजगार प्रदान करेगी। इसका रोजगार करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अभी सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर उद्योग लगाया गया, तो कुछ दीदी यहाँ पर उद्योग में काम करेगी, कुछ दीदी मार्केटिंग करेगी, कुछ दीदी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर के माध्यम से भी कार्य करेगी, तो ये सभी मिलकर के अपना रोजगार चलाएगी और स्वच्छ दूध का भी। ये जो नैपकिन है, ये एक तरह का बायोडिग्रेडेबल नैपकिन है जो 95% जमीन में गाड़ देने से नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम कोई भी केमिकल या किसी प्रकार का भी कोई प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं, और जो महिलाओं को ईजिली और सस्ते दरों पर प्रोवाइड हो सके, और इन महिलाएँ आज अच्छे से ट्रेन हो गई हैं, ये दूसरों को ट्रेन कर सकती हैं कैसे नैपकिन बनाना है, कैसे यूज़ करना है, तो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। लखीसराय बिहार में दूसरा ऐसा जिला होगा जहां की जीविका दीदी सैनिटरी पैड बनाने का काम करेंगी। जीविका दीदी साथ ही पैड की बिक्री के लिए मार्केटिंग भी करेंगी, यानी उत्पादन से लेकर बिक्री और प्रचार प्रसार तक की जिम्मेदारी जीविका दीदियों की ही होगी। फिलहाल हर दिन 500 पैड्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अगर डिमांड बढ़ती है तो पैड बनाने की संख्या बढ़ाई भी जाएगी। और संदेश है कि अब हम बना रहे हैं, लेकिन तो उसका भी सेल होगा तो कहाँ पर होगा, इतना फायदा होगा कि कटाई तो मालूम नहीं है। और हम लोग को जो है रोजगार दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद करने के लिए चाह रहे हैं। हम लोग गरीब दीदी जो है यहाँ आए हैं अपना रोजगार, और बीमारी इस नमकीन से बीमारी मुक्त है, इसमें ना कोई केमिकल है ना कोई पदार्थ है, और हम लोग घर घर अपना बहू बेटी सब को बचाने के लिए चाहते हैं, नमकीन को बना रहे हैं और फैला भी रहे गांव में। जितने समूह हैं सारे समूह के दीदी समूह में बैठक जब होंगे तो समूह के दीदी को बताएंगे, वीओ का बैठक होगा वीओ में वीओ का दीदी को बताएंगे कि सारे दीदी यहाँ हम लोग काम करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, प्रशिक्षण भी ले सकते हैं और अपना यूज भी कर सकते हैं। उद्योग विभाग की ओर से जिला नव परिवर्तित योजना के तहत हलसी प्रखंड मुख्यालय में कारखाना लगवाया जा रहा है। योजना के लिए 4.5 लाख रुपए की मशीनरी और कच्चा माल उपलब्ध करवाई गई है। सैनिटरी पैड बनाने के लिए ड्राइंग मशीन, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट मशीन, प्रेशरिंग मशीन के अलावा 4 सीलिंग मशीन भी उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही भवन का जीर्णोद्धार कर पैड निर्माण का काम तेजी से शुरू हो जाएगा। चूंकि ये पैड जीविका दीदी बनाएंगी, ऐसे में बाजारों में बिकने वाले पैड से सस्ते भी होंगे, यानी महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी और उन्हें ऊंची कीमतों वाले पैड को खरीदने की जरूरत भी नहीं होगी। लखीसराय से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 8, बिहार, झारखंड।